हे गाइस, इट्स मी ट्रिगर एंड वेलकम बैक टू द लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट। सो आवर गॉड एपिसोड नंबर 50। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैं अपने ग्रीन हाउस के अंदर हूं एंड यहां पे मैंने थोड़े से क्रॉप्स प्लांट किए थे। लाइक यहां पे आप देख सकते हो पूरे हरे हरे, मतलब कि पीले हो चुके बेसिकली, ये वीट है। तो ओके, सो यहाँ पर मैंने रूफ में थोड़ा सा जो है फिक्सिंग किया। लाइक पहले जो है ये वाला जो हमारा था लेयर वो था यहाँ पर, लाइक वो थोड़ा सा एक फ्लोर नीचे था, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए जो है मैंने इसे एक फ्लोर ऊपर कर दिया। एंड अगर आपने भी सेम टू सेम बनाया तो आप भी जो इसे एक फ्लोर ऊपर कर लेना। एंड यहाँ पर जो है मैंने ये वुड दूसरे यूज़ किए हैं, इनको पता नहीं कौन सा वुड कहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ तो इन वुड्स वगैरह का। लाइक मैं देख लेता हूँ कौन सा वुड है। ये वाले वुड थे, ये ओक वुड है, बस आपको नॉर्मल लॉक्स को रखना है तो आप ऐसे वाले लॉक्स ले सकते हो। ये वुड है एंड ये लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वुड का यूज़ किया है। वुड क्या रहता है, दोनों साइड से जो है कवर होते हैं एंड उनके बीच का जो वाइट पार्ट होता है ना वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे गिलास वगैरह तो बाकी चलो तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड कल अभी तो मेरी आप एक्सपी जो देख सकते हो, लाइक मेरे पास कितनी एक्सपी है, लाइक 53 XP है भाई साहब। ये कहाँ से आई होगी, तो ऑब्वियसली हमारे स्केलेटन फार्म से आई थी। पर अभी रिकॉर्डिंग करने से आधे घंटे पहले ही जो है मैं यहाँ पे आधा घंटा AFK किया था अपने AFK फीइंग फार्म पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था एंड मैंने सोचा कि चलो पहले काम कर लेते हैं एंड AFK पे लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे AFK लगाए एंड आधे घंटे के अंदर अगर आप देखो तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिली हैं। लाइक ये तो मेरी मेरी अपनी वाली है, बाकी यहाँ पे आपको पता है कि 1.16 के साथ ही जो है बुक्स वाली चीज़ें हट चुकी हैं कि आपको फिशिंग के साथ बुक्स जो है अब नहीं मिलेंगी। तो मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ अ स्टैक कोट मिल गया एंड यहाँ पे सैल्मन मिल गया, ट्रॉपिकल फिश, पफर फिश एंड एक सैडल और एक शैडल मिल चुका है जो मैं रखूँगा अपने पास, ओके। एंड ये वाटर बोतल, स्ट्रिंग वगैरह, बाकी बहुत फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। सो मैं काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है ये, लाइक अगर मैं एक दो घंटा AFK करूँ तो काफ़ी अच्छा ये प्रोड्यूस कर देगा, तो पर ठीक है। एंड इससे XP भी मिल रही थी, तो इससे भी मेरी 2-3 XP तो बढ़ गई होगी ऑलमोस्ट, मुझे पता नहीं बेसिक, ठीक है। सो आज मैं करने वाले हैं, हम थोड़े से इंचांटमेंट्स वगैरह करेंगे एंड आज मैं अपने लिए फुल एक आर्मर सेट बनाऊंगा एंड वो डायमंड का होगा या आयरन का वो बस डिसाइड करना रहेगा हमें। बेसिकली टूल डायमंड के होंगे और आयरन का आर्मर काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आज हम क्या करते हैं। बेसिकली मेरे को तो यही करना है, लाइक टूल्स डायमंड के हैं एंड ये अपनी जो आर्मर है वो आयरन का होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे काफ़ी अच्छा है। तो देखो मेरे पास आयरन काफ़ी तो नहीं है पर थोड़ा सा है एंड डायमंड काफ़ी एंड ये वाली पिकैक्स जो है लाइक काफ़ी टूटने वाली है, बस कुछ ही ब्लॉक्स को ये माइन करके टूट जाएगी, तो मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर भी जो है मेरे थोड़े से आयरन है, ठीक है। सो अभी मेरा आर्मर तो ऑलमोस्ट टूटने वाला है, लाइक आप चेक कर सकते हो क्या हालत है इसकी। तो मैं इसको जो है यहाँ पर साइड पर रख देता हूँ, पहले निकालना भी पड़ता है अपने शरीर से इसको, तो ठीक है मैं इसे साइड में रख देता हूँ क्योंकि अब भी जो है मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, तो इसको ऐसे यहीं पर रख देते हैं। मेरे पास काफ़ी आर्मर जमा हो रहे हैं जो मैं मुझे नहीं पता मैं क्यों इकट्ठे कर रहा हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। सो आज हम फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर बनाने वाले हैं अपने लिए, लाइक एक चेस्ट प्लेट, एक हेलमेट एंड एक पैंट्स एंड बूट्स, ओके। तो ये हो गया एंड ये तो हमारा आर्मर सेट हो गया। इसे अभी हमको इंचांट भी करना है, तो बेसिक इंचांटमेंट्स भी लेने वाला हूँ आज मैं एंड आज डायमंड्स के जो टूल्स हैं उनको बना लेते हैं अपने लिए। लाइक पिकैक्स तो है मेरे पास, पर मैं एक और पिकैक्स बनाऊंगा एंड मेरे को बनानी है एक डायमंड की स्वॉर्ड। देखो आपको अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इनफ डायमंड्स नहीं है, पर अगर आपके पास इनफ डायमंड्स हैं और आप चाहते हो कि आपके पास थोड़े अच्छे टूल्स हों तो आप अभी अपग्रेड कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है तो डोंट वेस्ट योर थिंग्स, आप अभी अपग्रेड मत करो। पर मेरे को लग रहा है कि मैं अभी अपग्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास XP है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक स्वॉर्ड बना लूंगा मैं एंड एक एक्स बना लेंगे एंड एक पिकैक्स बना लेंगे एंड शवल भी आप बना सकते हो, तो शवल की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं होई की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि आप आयरन वाले से भी काफ़ी अच्छा माइन कर सकते हो। पर आयरन वाले में एक कम चीज़ होती है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है और इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मैं एक ये भी बना लूँगा। एंड होई मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला क्योंकि मैं स्टोन की होई ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि देखो काम सबका एक है, इसमें ड्यूरेबिलिटी का ही बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी तो इसका काम तो सेम ही है। पर डायमंड्स के ये टूल्स का काम अलग होता है, ठीक है, इनमें जो है बाकी बहुत सारी चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। सो अब जो है हम थोड़ा सा इंचांटमेंट करने की ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी कि मुझे क्या इंचांटमेंट मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बोज रखे हैं अपने लिए जो मैं अपने स्केलेटन फार्म से लेके आया था, तो वो भी आज हम करने वाले हैं। एंड मुझे एक एनविल बनाना है आज, तो एक एनविल देखता हूँ भाई, अगर मेरे पास इनफ आयरन है तो मैं एक एनविल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। सो एनविल के लिए आपको 2 डायमंड के ब्लॉक्स चाहिए रहते हैं। लाइक अगर डायमंड के ब्लॉक्स तो देखो भाई मेरे पास एक ही बन सकता है,
एंड भाई 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 ओके, तो मुझे जो है अभी माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो जो मैं अपने आर्मर वगैरह अभी मैंने बनाया है उनको एक साइड पे रख देते हैं एंड एक माइनिंग सेशन करके आ जाते हैं। छोटा सा माइनिंग सेशन होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं इसको, ठीक है। एक छोटा सा माइनिंग सेशन करते हैं एंड जल्दी से जो है मैं कुछ आयरन वगैरह माइन करके ले आता हूँ, ठीक है। लाइक मुझे अब ज़रूरत है भाई, आयरन तो है ही नहीं मेरे पास बिल्कुल भी, तो एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ एंड जल्दी से एक छोटा सा माइनिंग सेशन जो है मैं अभी करके आया। ओके गाइस, ओके तो गाइस यहाँ पे अगर आप मेरी माइन देखो तो मैंने माइन को अभी जो है काफ़ी अच्छा कर लिया। यहाँ पे स्टेयर्स हैं एंड यहाँ पे अपसाइड डाउन स्टेयर्स हैं एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये माइन हो जाता है, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में जो स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने माइन में थोड़ा सा और काम किया, जो आप ये टनल देख सकते हो, ये टनल बनाई है मैंने जिससे मुझे एक्स्ट्रा जो है माइंस यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दो अपने लिए दो तीन माइनें जो है खोद लेता हूँ एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे माइनिंग शुरू करूँगा, ठीक है। एक यहाँ पे भी आएगी, तो भाई काफ़ी बड़ी टनल जो है मैंने यहाँ पे खोदी थी, आप खुद ही देख सकते हो। ये मैंने सिर्फ माइनिंग के लिए खोदी थी, मैं कल रात को ही किया ये सारा कुछ, पता नहीं क्यों बस मैं कर दिया। ओके ठीक है, तो आज जो है इसलिए काम भी आ गया। वैसे माइनिंग ये थोड़ा सा लाइक गलत क्यों चल रहा है? ओके यार, यहाँ पे गैप पड़ गया ना, तो इसलिए इस साइड से थोड़ा सा ही गलत चल रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। ओके तो गाइस अभी जो है मैं माइनिंग करने वाला हूँ एंड आता हूँ सिर्फ थोड़ी देर में। ओके ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास तीन आयरन के ब्लॉक्स हैं एंड यहाँ पर जो है मैं एनविल बना सकता हूँ। लाइक यहाँ पे आपको तीन आयरन के ब्लॉक्स एंड चार आयरन के इंगट्स की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ एक एनविल के लिए, तो गाइज सोचो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है यहाँ पे, पर ठीक है ये बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी भी होता है, ठीक है। सो अभी जो है हम चलते हैं इधर एंड अपने इंचांटमेंट्स वगैरह लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो एनविल देखो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ओके तो गाइस सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है अपने बॉस को ही मतलब बॉस को जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे अनब्रेकिंग वन की वो मिली, फिर यहाँ पे अनब्रेकिंग वन एंड पावर टू, मतलब अनब्रेकिंग टू हो जाएगा यहाँ पे एंड पावर वन और पावर वन मिल जाएगा तो पावर टू हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास अनब्रेकिंग टू एंड पावर टू आ जाएगा एंड देन हमारे पास फ्लेम एंड अनब्रेकिंग टू आ जाएगा, तो अनब्रेकिंग टू एंड अनब्रेकिंग टू अनब्रेकिंग थ्री आ जाएगा एंड फ्लेम वन आ जाएगा, तो ये भी अच्छा है। देन हमारे पास पंच वन आ जाएगा एंड लास्ट इन्फिनिटी वन आ जाएगा, लाइक काफ़ी सही चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है मैं इनको एक एक करके जो है हील कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो गाइज यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे बो तो बना लिया जिसमें अभी वन अनब्रेकिंग थ्री पंच वन एंड इन्फिनिटी आई है, सॉरी ये वाली नहीं है बेसिकली, वो ये वाली है, यस ये वाली है। एंड यहाँ पर मेरे पास एक्सपी लेवल कम पड़ रहे हैं, तो भाई साहब अब मुझे वापस से जाके एएफके करना पड़ेगा। लाइक 50 लेवल करने में लाइक काफ़ी टाइम लग गया था, लाइक आधे से ज़्यादा घंटा लग गया था मुझे, पर ठीक है एक बो को बनाने में ही जो है यहाँ पे मेरी सारी की सारी एक्सपी चली गई। बेसिकली अगर आप चीज़ों को कंबाइन करते हो तो आपकी एक्सपी ज़्यादा जाती है, इनफैक्ट अगर आप जो है सिंपली जो है अपने इंचांटिंग टेबल से जो है एक एक करके इंचांटमेंट्स ले दो, ठीक है। सो इसलिए जो है यहाँ पे मेरी ज़्यादा एक्सपी यूज़ हुई, तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, एक घंटा और एएफके करते हैं एंड क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई अच्छा एक्सपी फार्म होता तो इंस्टेंटली जो है मुझे 30 XP या 40 XP मिल जाती, पर वी कांट डू। अभी मुझे एक दो घंटा तो भाई यहाँ पे मस्त एएफके करना ही पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मुझे 1.5 आवर हो चुके हैं एंड यहाँ पे मुझे बोन्स एंड एरोस के सप्लाईज काफ़ी अच्छे जो है मिल रहे हैं, बट मेन आती है हमारी एक्सपी। तो गाइस मुझे यहाँ पे 75 XP फिलहाल मिल चुके हैं एंड ये तब से वर्क कर रहा है। मैं थोड़ा सा लाइक सोने चला गया था पर मुझे नींद नहीं आई तो मैं वापस आ गया एंड ये अभी वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो थोड़े से स्पॉन्स कम हो गए हैं तो इसीलिए जो है मुझे बोन्स वगैरह अच्छे से मिल नहीं पा रही हैं, तो पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए जो है मैं इसे ऑफ कर देता हूँ एंड इसे भी ऑफ कर देते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं दोनों मिलके, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे बाकी के वो बो पड़े हैं बोस वगैरह जिसे मुझे ज़रूरत नहीं है एंड 75 XP काफ़ी मेहनत लगी भाई उसे भी गैदर करने में, तो मैं इसे अब सीधा वेस्ट नहीं करूँगा, ध्यान से थोड़ा सा इस्तेमाल करने की ट्राई करेंगे। ओके और तो गाइस यहाँ पे देखो मैं वापस आ गया एंड अगेन जो हमारी लास्ट बो बची थी जस्ट उनको इंचांट कर लेते हैं एंड यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं एंड अब मेरे पास जो है सबसे अच्छी बो आ चुकी है। बस इसके अंदर पावर का जो है थोड़ा सा पंगा है, इसके अंदर पावर टू है एंड पंच
अच्छी टू है, अगर यहाँ पे पावर थ्री होती तो ये एकदम मैक्स होती। एंड यहाँ पे जो इन्फिनिटी आप देख सकते हो, इन्फिनिटी का यूज़ जो है बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एक एरो है आपकी इन्वेंटरी में, तो आप उस एक एरो से अनलिमिटेड टाइम जो है शूट कर सकते हो, ठीक है। इन्फिनिटी का बेसिकली ये फ़ायदा होता है एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप मेंडिंग लगाना चाहते हो, तो अगर आप मेंडिंग लगाते हो तो आप इन्फिनिटी नहीं ऐड कर सकते हो अपनी बो में, एंड अगर आप इन्फिनिटी लगाना चाहते हो तो आप मेंडिंग नहीं लगा सकते। पर अगर मेरे से जाओ तो आप गाइस इन्फिनिटी लगाना, क्योंकि वो है ये कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, आप इसे इजीली रिपेयर कर सकते हो या वापस से बना सकते हो। पर बार बार जो है लाइक एरोस चेंज करना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब चीज़ है। अगर आपके पास सोचो एक स्टैक एरो एंड आप किसी से लड़ने चले जाओ एंड उसी वक्त आपके एरोस ख़त्म हो जाए, तो लिटरली वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अजीब मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं तो इन्फिनिटी यूज़ करता हूँ, आप देख लो कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़े से लैपिश निकाल लेते हैं एंड अब करते हैं थोड़े से रेगुलर इंचांटमेंट, जैसे कि अपने हेलमेट में देखते हैं क्या आ रहा है। मेरे हेलमेट में आ रहा है एक्वा इन्फिनिटी। एक्वा इन्फिनिटी आपको पानी में सांस लेने का काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली इससे नहीं जाएंगे एंड इसके अंदर थोरंस वन आ रहा है। तो थोरंस वन ये है कि अगर आपको कोई मारेगा तो उसको भी उतना ही डैमेज मिलेगा जितना आपको डैमेज मिला है, ठीक है। ये थोरंस वन एंड बूट्स पे है डेप्थ स्पैडर 3। ओके, तो ये पानी में जो है स्विम करने के लिए जो है काफ़ी तेज़ होता है, लाइक अगर आप इससे पहनते हो तो आप पानी में तेज स्विम कर सकते हो, ठीक है। एंड ये डेप्थ स्पैडर 2 है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा दिखा नहीं है बेसिकली, तो हम एक ही करके जो है अभी शवल्स वगैरह पे देखते हैं। इस पे फॉर्चून 3 है बेसिकली एंड ओके। तो गाइज यहाँ पे मुझे जो है पिकैक्स पे फॉर्चून 3 मिल रही है, जो मैं ऑब्वियसली लेने वाला हूँ। एंड लेट्स सी कि ओके मुझे फॉर्चून 3 मिली। वैसे 2-3 इंचांटमेंट एक्स्ट्रा भी मिल जाती है आपको ये 30 लेवल पे, ठीक है, पर मुझे नहीं मिली, बैड किस्मत। ओके, एंड यहाँ पे स्माइट 5 है जो मुझे ऑब्वियसली नहीं चाहिए, बहुत घटिया। एंड स्माइट 5 एक्स पे ले सकता हूँ मैं, पर एक्स पे मुझे एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लेऊंगा, क्योंकि जब भी अनब्रेकिंग 3 आते हैं एंड अगर आप उसे लेते हो तो आपको 2 इंचांटमेंट जो है एक्स्ट्रा हमेशा मिलती हैं। बट लेट्स सी कि मेरे केस में क्या होता है। ओके, ओ नहीं गाइज, मेरे केस में उल्टा मुझे एक भी एक्स्ट्रा इंचांटमेंट जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिली। पर ठीक है, अनब्रेकिंग 3 काफ़ी अच्छा है। थोरंस 1 इस पर अभी भी आ रहा है एंड इस पर भी अभी भी थोरंस चल रहा है। भाई प्लीज़ कोई अच्छी चीज़ दे दो। एंड यहाँ पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है, लाइक प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन वो चीज़ होती है जो विदर जो है अपने स्कल्स को फेंकता है ना, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो मैं आपको जब विदर फाइट होगी तब बताऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे सिल टच मिल रही है बेसिकली। फायर एस्पेक्ट मुझे पसंद तो नहीं है बेसिकली, पर ठीक है अभी के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी अजीब से और घटिया इंचांटमेंट जो है देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास शार्पनेस 1 की भी फिलहाल तो बुक पड़ी है, तो मैं उससे भी इंचांट कर सकता हूँ, ठीक है। पर जो है मुझे एक्स पे शार्पनेस मिल रहा है एंड स्वॉर्ड पे तो भाई कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, स्वॉर्ड पे एक 6 वाला इंचांटमेंट ले लूँगा जो अनब्रेकिंग 1 है एंड इसे एक बार डिसइंचांट कर लूँगा। इससे जो है हमारे इंचांटमेंट रिफ्रेश हो जाते हैं इंचांटिंग टेबल के एंड हम जो है नई इंचांटमेंट ले सकते हो। तो लाइक अब आप चेक करो, मैंने जैसे ही इंचांटमेंट ले के उसे डिसइंचांट किया तो मुझे यहाँ पर भी शार्पनेस 4 देखने को मिल रही है। बेसिकली शार्पनेस 4 ज़्यादा बेटर नहीं है, शार्पनेस 5 ज़्यादा बेटर है, ठीक है, नंबर से अगर हम जाए तो। पर कोई नहीं, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे शार्पनेस 4 के साथ जाने वाला हूँ एंड ठीक है, हम शार्पनेस 4 के साथ चले गए। एंड अब हम एक्स पे चेक करते हैं। एक्स पे हमको स्माइट मिल रही है जो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी हम एक छोटा इंचांटमेंट लेंगे एंड इसे डिसइंचांट कर लेंगे, ठीक है। सो इसे इजिली डिसइंचांटमेंट कर लेते हैं एंड इसे जो है वापस से चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है तो वो लेके है। एंड यहाँ पे मेरी किस्मत फिर से ख़राब, मुझे सिर्फ अनब्रेकिंग 3 मिला, पर कोई बात नहीं, चलता है इतना। एंड यहाँ पे मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसके अंदर मुझे फायर प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसके अंदर भी फायर प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड इसके अंदर मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो बूट्स के अंदर जो है मैं फायर प्रोटेक्शन लेने के लिए तैयार हूँ एंड यहाँ पे मुझे अनब्रेकिंग 3 के साथ मिले आए बूट्स, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसके अंदर मुझे थोरंस 2 मिल रहा है जो नहीं चाहिए भाई, एंड एक्वा इन्फिनिटी 1 भी नहीं चाहिए। चलो एक्वा इन्फिनिटी 1 मैं ले भी लेता हूँ, तो अच्छी चीज़ है एक्वा इन्फिनिटी 1। अब पैंट्स पे चेक कर लेते हैं, ये प्रोटेक्शन 4 है। ओके, एंड इस पे जो है प्रोटेक्शन 4 एंड मेरी एक्सपी अगेन गिर चुकी है। व्हाट द हैक इज गोइंग ऑन हियर। ओके, सो अब मुझे वापस से लाइक AFK करना ही पड़ेगा। तो लाइक अब मेरी बस 2 चीज़ें बची हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर और AFK कर लेते हैं, क्योंकि इन दो को भी जो है अभी इंचांट कर ही लेते हैं ना, क्योंकि अब इन दोनों को ऐसे छोड़ दूंगा तो, क्योंकि चेस्ट प्लेट काफ़ी मेन है, ये आपके चेस्ट को प्लेट करते और सॉरी चेस्ट को प्रोटेक्ट करती है एंड ये काफ़ी मेन चीज़ होती है, ठीक है। सो थोड़ा देर और AFK सही अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके,
सो मिलता हूँ फिर से आपको जो है इस बार 1 घंटे के बाद। इस बार 1 घंटे का सेशन करूंगा या आधे घंटे तक का ही करूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक तो है। भाई यहाँ पे देख सकते हो रात हो चुकी है एंड 52 XP अगेन हमारे पास आ चुकी है। लाइक 53 बस होने ही वाली है, बट मैंने सोचा चलो अब इतनी XP आ चुकी है तो अभी थोड़ा सा इंचांट कर लेते हैं। 53 का कौन वेट करेगा, लाइक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है 1 XP से, ठीक है। सो रात हो चुकी है तो अब जल्दी से इंचांटमेंट कर लेते हैं। लाइक मुझे बस ये चेस्ट प्लेट को इंचांट करना है, जिसके अंदर है प्रोटेक्शन 4 जो मैं ले लेता हूँ, एंड अनब्रेकिंग 3 के साथ मुझे ये मिला है। एंड इसके अंदर क्या मिल रहा है, लेट्स सी, इसके अंदर भी प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक बार शवल का जो है एक बार चेंज करके ट्राई करूंगा। आ जाओ शवल को एक बार डिसइंचांट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छी इंचांटमेंट मिली नहीं है मुझे, तो मैं इसको डिसइंचांट करूंगा एक बार एंड वापस इंचांटमेंट टेबल में डालूंगा। एंड इसके अंदर फॉर्चून 2 मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है ये तो। सो इसका एक छोटा XP लेंगे, लाइक छोटे वाला ले लेंगे एंड इसे वापस से डिसइंचांट मार देंगे, ठीक है। एंड अगेन एक बार देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। एंड यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है, तो प्लीज़ इसके साथ कुछ तो दे देना यार मुझे। ओ यस गाइस, फाइनली मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी 4 एंड फॉर्चून 2 मिल चुका है। लाइक ओ भाई, काफ़ी देर से वेट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे अपनी फॉर्चून की पिकेक्स वेस्ट नहीं करूँगा। सो मैं यहाँ पे अपनी जो दूसरी पिकेक्स है वो लेके आता हूँ एंड उसके अंदर इंचांटमेंट लेके ट्राई करता हूँ, ठीक है। लाइक इधर ही तो थी, ओके ओके। सो गाइस इसके अंदर जो है इसको डिसइंचांट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंसी 1 है जो बहुत ही घटिया चीज़ है। सो इसे डिसइंचांट करके एक हम नया लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसे डिसइंचांट मार देते हैं जल्दी से एंड एक नया लेने की ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई। ओके इसके अंदर भी फॉर्चून 1 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे से जाएंगे एंड इसे डिसइंचांट करके एक और बार लेके ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑलराइट यहाँ पे मुझे सिल्टच मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, तो यहाँ पे मैं सिल्टच लेने की ट्राई करता हूँ। पर मुझे जो बेसिकली एफिशिएंसी चाहिए था, जो यहाँ पे मुझे मिल भी रहा है एफिशिएंसी 2 है, पर मैं सिल्टच के साथ जाऊँगा यहाँ पे। एंड ठीक है, सिल्टच भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। लाइक मैं बताता हूँ सिल्टच के यूजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। सो अभी देखो ये काफ़ी दी हालत में है, तो इसे रिपेयर करने के भी एक ट्रिक होती है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके तो गाइस इसको जो अपने जो आपकी पिकेक्स है आप इसको रिपेयर कर सकते हो। ये आपको जो है बस एनविल के अंदर जो है इसमें पिकेक्स डालनी है एंड अपने 3 डायमंड डाल देने हैं, ठीक है। सो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। लाइक 2 डायमंड से प्योर हील नहीं होती, पर 3 से एकदम हील हो जाती है, ठीक है। पर अगर आपको ये चीज़ नहीं करना, आपको लगता है कि ये चीज़ एक्सपेंसिव है, तो आप क्या करो, आप एक और पिकेक्स बना लो अपने लिए, जो मैं करने वाला हूँ। मैं एक और पिकेक्स बनाने वाला हूँ अपने लिए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तू काफ़ी डायमंड वेस्ट कर रहा है, तो नहीं गाइस मैं बिल्कुल डायमंड वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अच्छी इंचांटमेंट चाहिए बेसिकली, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। नहीं तो मैं बिल्कुल ये चीज़ें नहीं करता। लाइक मेरे पास 2 पिकेक्स हो चुके हैं अभी फिलहाल एंड यहाँ पे अगर मुझे एफिशिएंसी 3 एक बार मिल जाए तो गाइस काफ़ी मज़ा आ जाए। तो एक बार ट्राई करते हैं इसके अंदर क्या मिल रहा है। अनब्रेकिंग 1, सिल्टच एंड एफिशिएंसी 1, तो एफिशिएंसी 1 लेते हैं एंड इसे एक बार डिसइंचांट मारता हूँ मैं थोड़ी देर एंड एक और बार लेने की ट्राई करते हैं। एंड प्लीज़ यार एफिशिएंसी दे दो यार मुझे, क्या जिद्दी चीज़ है यार ये। सो एक फॉर्चून 3 के साथ एंड नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला मुझे अच्छा। ऑलराइट गाइस, तो गाइस यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी 4 मिला है सिल्टच के साथ एंड मेरे पास 1 सिल्टच की पिकेक्स ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पुरानी वाली सिल्टच को एक बार डिसइंचांट मार दूंगा एंड इसके अंदर एक नया इंचांटमेंट लेने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्चून 3 है एंड अनब्रेकिंग वगैरह है, तो ये लेते हैं इधर एंड इसे एक बार डिसइंचांट करते हैं जल्दी से एंड एक और इंचांटमेंट लेने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है जो मैं लेता हूँ एंड यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 मिला मुझे, नाइस। ओके तो गाइस मैं जो चाहता था वो चीज़ हुई नहीं, पर ठीक है। अभी जो है मैं इस डायमंड पिकेक्स को इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, जिससे मेरे पास फॉर्चून 3 एंड अनब्रेकिंग 3 दोनों हो जाएं। एंड यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल 2 पिकेक्स हैं, जो है एक सिल्टच एंड एफिशिएंसी एंड एक है जो हमारी फॉर्चून एंड अनब्रेकिंग। तो फॉर्चून देखो मैं बताता हूँ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो फॉर्चून जो है आप अगर कोई भी ओर तोड़ते हो, लाइक जैसे अगर आप कोल तोड़ते हो, तो आपको एक्स्ट्रा कोल जो है उससे मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप डायमंड तोड़ते हो तो आप 1 डायमंड के बदले 2 या 3 डायमंड भी मिल सकते हैं, पर ये उन्हीं चीज़ों के साथ होती है जिनके सीधा बाद आपको ओर्स मिलते हैं। लाइक जैसे आयरन है, आयरन को जो है आपको स्मेल्ट करने के बाद उसका इनगट मिलता है ना, तो आप अगर इस पर इस्तेमाल करोगे तो आप उसको जो है 2-3 में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, वो एक का एक ही मिलेगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सिल्टच की, तो सिल्टच यूज़ होता है लाइक जैसे कि अगर मैं इधर बाहर जाता हूँ एंड ये जो डर्ट देख रहे हो आप, तो अगर मैं इसे जो है नॉर्मल कहाँ से शवल कहाँ गई मेरी,
हाँ ये शवल, तो अगर मैं इसे नॉर्मल शवल से जो है माइन करता हूँ देखो, तो ये मुझे डर्ट में मिलता है, पर ये ऊपर जो हरा हरा है मुझे वो नहीं मिलता। तो उसे लेने के लिए जो है मैं सिल्टच का अगर यूज़ करूँ इस पर, तो लेट्स सी। एंड ये देख सकते हो, तो ये मुझे हरे हरे ग्रास के साथ मिला है, ठीक है। सो अगर मैं इसका नेम पढ़ू तो देखो, ये ग्रास ब्लॉक है एंड ये डर्ट है, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों अलग चीज़ें हैं। तो सिल्टस क्या करता है, आपको ऐसी चीज़ देता है, देख अगर मैं लीफ लूंगा तो मैं अगर लीफ पे चलाऊँ तो देखो मुझे लीफ का ब्लॉक मिल जाएगा, लीफ मतलब इसका टूटेगा नहीं, ठीक है। सो सिल्टच आपको ऐसे करता है, जैसे वो दिख रही है ना, आप अगर उसको तोड़ोगे तो वो वैसी की वैसी ही आपको मिल जाएंगी। अगर मैं इजी भाषा में कहूँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसी चीज़ दिख रही है एंड अगर आप उसे तोड़ दोगे सिल्टच के माध्यम से, तो आपको वैसी की वैसी ही चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। ओके, तो बस सिल्टच का ये था। लाइक अगर आप डायमंड को सिल्टच से तोड़ोगे तो आपको डायमंड का ओर मिल जाएगा, उसके अंदर से डायमंड्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। पर फॉर्च्यून से तोड़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा डायमंड्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये दोनों पिकेक्स अलग अलग होती हैं। तो हमेशा अगर आपने किसी को भी देखा होगा तो वो अपने इन्वेंट्री में दो दो पिकेक्स इसीलिए रखता है, क्योंकि ये दोनों पिकेक्स अलग अलग होती हैं। ओके ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे आपके लिए वीडियो बेसिकली 16 या 15 मिनट तक की बनी होगी, पर मेरे लिए वीडियो टोटल 5 घंटे की हो चुकी है। लाइक जैसे जो मैंने AFK सेशंस वगैरह ये सारे किए थे उसके हिसाब से जाऊँ तो मेरे लिए इतना तो हो गया होगा। तो एक बार जो है इस आर्मर को पहन लेते हैं हम, एंड लेट्स सी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ इस कूल आर्मर के अंदर। ये इंचांट वो देख सकते हो आप, ये पिंक स्लाइन, ये थोड़े से नई चीज़ें मैंने अपने पैक के अंदर ऐड की हैं, तो जल्दी ही मेरा पैक भी आ जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। एंड अब मेरे पास सिर्फ 17 डायमंड्स बचते हैं, एंड हमने ये सारी चीज़ें बनाई, मेरे पास इन्फिनिटी आ चुकी है। बस मुझे अपने इन्वेंट्री में बस एक एरो रखना है, तो मैं इसको इन्फिनाइट टाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपके लिए तो देखो गाइज ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी, पर मेरे को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पड़ी है, लाइक हद से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है भाई ये वीडियो मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि 5 घंटा लाइक 3 घंटे की जो है नॉर्मल बस AFK सेशन गया, क्योंकि अब देखो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं दो इतने सारे घंटों का जो है एक क्लिप बना सकूँ, ठीक है। तो मेरे को जो है तो काफ़ी छोटी वीडियोस ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई वाईफाई नहीं है, तो मुझे अपने डेटा से अपलोड करना पड़ता है। एंड मुझे दिन का सिर्फ 4 GB आता है, एंड लाइक 4 GB से 2 GB तो सिर्फ अपलोडिंग ले जाता है, एंड उसके अंदर फिर 2 GB के अंदर मुझे बहुत कम पे यूट्यूब वगैरह देखना होता है एंड कुछ ब्राउजिंग वगैरह करना होता है, तो वो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए जो है मैं छोटी वीडियो ज़्यादा तक रखने की ट्राई करता हूँ, जिससे आपको अपलोड्स भी मिलते रहे एंड मेरे डेली यूजेस का डेटा भी जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन आज मेरा वैसे ये मन नहीं था इंचांटमेंट्स करने का, बिल्कुल मन नहीं था आज, पर यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी एक्सपी थी, तो इसलिए जो है मैंने थोड़े से इंचांटमेंट कर लिए। इसलिए आज हम जाने वाले थे एक्सप्लोरेशन के लिए, आज मेरे को जंगल बायोम एंड डेजर्ट बायोम ढूंढना था, क्योंकि ये दोनों बायोम काफ़ी ज़रूरी बायोम्स हैं। डेजर्ट इतना ज़रूरी नहीं है, पर जंगल काफ़ी ज़रूरी है। उसके अंदर आपको बैम्बूज़ वगैरह मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें माइनक्राफ्ट में, अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक साइड पे इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आप हाफ अवे ले सकते हो उसको भी, बट ठीक है। अब अगले एपिसोड में ट्राई करेंगे थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन वगैरह करने की। एंड अगर आपको एक्सप्लोरेशन नहीं करनी है, तो जैसे मैंने एक क्या कहते हैं वेबसाइट के बारे में बताया था चंक बेस, तो उसके अंदर जाके नॉर्मली आप चंक्स को ढूंढ सकते हो अपने, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा इस बार, मैं इस बार जो है टोटल एक्सप्लोरेशन करूंगा एंड अपने दम पे जाएंगे, ढूंढेंगे कुछ, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो घर वापस आ जाएंगे। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी या बहुत कम भी पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक मार दो एंड कमेंट करके जो है प्यारे प्यारे कमेंट लिख दो कि वीडियो कैसी बनी, तेरी आवाज़ कैसी है, तू 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 इतना लेट वीडियो क्यों डालता है, तू वीडियो में इतना अजीब सा क्यों बोलता है, लाइक कुछ भी अगर आपके दिल में है तो जस्ट एक कमेंट के थ्रू मुझे बता दो। एंड मैं अप्रॉक्सीमेटली हर कमेंट रीड करता हूँ, भले ही वो मेरी 3 महीने पुराने वीडियो की हो या 7 महीने पुराने वीडियो की। अगर मुझे नोटिफिकेशन आती है कि मुझे किसी ने कमेंट किया, तो मैं हर एक के रिप्लाई करने की ट्राई करता हूँ। कुछ के मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं उसको हार्ट दे देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि अब थैंक यू एंड आई एम फर्स्ट के रिप्लाई में क्या तू, मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है। सो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उन लोगों को। सो प्यारे प्यारे कमेंट करो एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और फाड़ू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।